डेल, एचपी और लेनोवो जैसे लैपटॉप ब्रांड की बराबरी करने के लिए भारतीय सरकार की एक पीएसयू देश का पहला लैपटॉप बाजार में उतार चुकी है। आईटीआई जिनके द्वारा बनाए गए टेलीफोन का प्रयोग पहले हम सभी करते थे, अब फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम रख चुकी है और आईटीआई ने इंटेल के साथ कोलेबोरेशन में i7 प्रोसेस के लैपटॉप और डेस्कटॉप बाजार में उतार दिए हैं। ये लैपटॉप स्मैश ब्रांड के अंतर्गत केरला में आईटीआई की पलक्कड़ यूनिट में बनाए जा रहे हैं और कमाल की बात ये है कि इन लैपटॉप में जिन मल्टीलेट पीसीबीज का प्रयोग किया गया है उनको पूरी तरह से इसी यूनिट में उत्पादित किया जाता है। केरला में एक और लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, कोकोनिक्स एक भारतीय ब्रांड है जो केरला सरकार के अधीन आती है। ये कंपनी हर साल 2,50,000 लैपटॉप उत्पादन कर सकती है, लेकिन अभी तक स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स को इनके द्वारा बनाए गए लैपटॉप सरकार की ओर से दिए गए हैं। यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत इम्पोर्टेड लैपटॉप पर पूरी तरह से रोक लगा चुका है और PLI 2.0 में 30 से अधिक कंपनी हार्डवेयर उत्पादन करने के लिए एप्लीकेशन पेश कर चुकी है। कुछ सोर्सेज के अनुसार ITI के लैपटॉप में अभी तक 25% का लोकलाइजेशन है और 75% कंपोनेंट्स की सोर्सिंग ताइवान, साउथ कोरिया और वियतनाम से की जा रही है। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि IT हार्डवेयर PLI के लॉन्च होते ही लैपटॉप के लोकलाइजेशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी और इसके लिए देश की कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है जो आने वाले समय में हार्डवेयर का उत्पादन भारत में करेगी। एक आर्टिकल में ये तक भी कहा गया है कि हाल ही में ITI के लैपटॉप को कुछ फॉरेन ब्रांड के मुकाबले में उतारा गया है और इन बड़ी कंपनी के रहते हुए ITI ने बहुत बड़े टेंडर भी हासिल किए हैं। इस भारतीय PSU को 1948 में स्थापित किया गया था और आज के समय में इस कंपनी के अधीन 6 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑपरेशनल है। टेलीकॉम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लेकर सैटेलाइट, मिलिट्री कम्युनिकेशन और सेट बॉक्स की कैपेबिलिटी PSU के पास है। पूरी दुनिया में लैपटॉप मार्केट की वैल्यू $158 बिलियन के नजदीक है और 2030 तक इसमें बढ़ोतरी होकर $227 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे मार्केट में चाइना 70% शेयर के साथ डोमिनेट करता है और भारत में 80% से अधिक लैपटॉप चीन से ही आयात किए जाते हैं और जिस ITPLI को हाल ही में निकाला गया है उसमें एक भी भारतीय कंपनी ऐसी नहीं है जो आगे चलकर लैपटॉप का उत्पादन नए ब्रांड के अंतर्गत करेगी। डिक्सन और ऑप्टिमस जैसी जिन भारतीय कंपनी ने अपना नाम इनमें शामिल किया है वो भी किसी फॉरेन ब्रांड के लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और इस सेक्टर में भारतीय ब्रांड का ना होना आने वाले समय में काफी बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।